दें कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अनावरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर इस द्वारा संचालित डिजिटल बैंकिंग यूनिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दड़के और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी एवं सीईओ ए मणि मेखले भी समारोह स्थल पर उपस्थित थे। इनके अलावा उच्च प्रशासनिक अधिकारी, बैंक के प्रतिष्ठित ग्राहक और स्टाफ सदस्य भी उपस्थित थे। काम कर रहे हैं साथ साथ जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है वो सब दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आती है। तो मतलब सिर्फ एक पासवर्ड या एक ओटीपी दोनों के वजह से नहीं, कौन सारे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं तभी कोई आदमी फ्रॉड कर सकता है। अब मैडम ने कहा कि लापरवाही कस्टमर की अगर हो गई, उसने दोनों चीज़ें चार या सभी चीज़ें शेयर कर ली किसी के साथ, तभी ये दुर्घटना घट सकती है। नहीं तो बैंकिंग सिस्टम अपने में फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जहाँ पे ग्राहकों को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस ही दर्शाता है कि आज के डेट में भारत का जो UPI ट्रांजेक्शन है वो इतना बड़ा हो गया कि पूरा विश्व को इसके ऊपर देखना पड़ रहा है कि ये डिजिटल इंडिया कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। अरे मात्र में हम तो एक्चुअली हमारा ये आपके माध्यम से पूरी जनता को, नागपुर का प्रवासी को हम हाई सही दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो जिसके कारण एक्चुअली हमने ये आज उद्घाटन किया, माननीय केंद्रीय मंत्री और प्रबंध निदेशक सब हम उपस्थित हो गए ये करेंगे। जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री हमको निर्देश दिया उसी से हम काम करेंगे। आज की जैसे हम इस प्रदेश में, नागपुर प्रदेश में हमारा कारोबार की हम लगभग 16,000 करोड़ का हमारा व्यवसाय है, उसका हम लक्ष्य रखते हैं अगला 2 साल में 25,000 करोड़ तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे सारी सुविधा हमारा बड़े से व्यापारी, छोटा से छोटा व्यापारी, जितना गवर्नमेंट का जो हमारा स्कीम्स वगैरह है सारी हम मतलब सबको जन साधारण लोग तक वो हम पहुँचाएंगे, यह हमारा लक्ष्य है। एंड हम इसी हिसाब से देश की प्रगति के करेंगे एंड आपकी थ्रू हम सारी जनता को धन्यवाद प्रदान करेंगे। भी मकसद यही था कि पेपरलेस इकोनॉमी बने, और एनवायरनमेंट पे ये तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो इसके कारण वो भी होता है, टाइम सेविंग होता है, और एक यू नो व्हाट यू कॉल दैट, एक प्राइड मिलता है कि मैंने खुद किया है। एक छोटा भी फार्मर अगर खुद अपने आप से जाके कुछ काम कर लेता है तो उसको भी वो प्राइड होता है कि मैंने कोई असिस्टेंस के बिना ही मैंने ये कर लिया है। तो दिस काइंड ऑफ उसको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे जो प्रधानमंत्री का जो मेनली उनका जो लक्ष्य है कि हमें एक बहुत ही डिजिटल इकोनॉमी बनना है, इसके थ्रू हम सब बन सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे स्टाफ आपने देखा होगा, अगर आप ये DBO का देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी हमने छोटा सा खोला है जहाँ पे कस्टमर्स को हमें ट्रेनिंग भी देंगे कि वो क्या कर सकता है, आगे वो भी किसी और को बता सकता है कि द मैसेज विल स्प्रेड कि कितना आसान होता है बैंकिंग करना। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पहले तो हमें ब्रांच में जाके घंटों खड़े होना पड़ता था, ये सब कोई जरूरत नहीं, वो अपने समय पे आएगा, अपने कन्वीनियंट टाइम पे आएगा, अपने चीज जो उसको करना है वो करके जाएगा, पासबुक प्रिंटिंग उसके हाथ में ही है, जो करना है वो करके जाएगा। तो इट्स हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू दिया जाएगा उसको, लोन्स अभी तो हमने सिर्फ 27 हमने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर किया है, आगे जाके और भी प्रोडक्ट्स हम ऑफर करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।